इंडियन रेलवे रिक्रूटमेंट 2020 वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो कंप्लीट देखेगा, तभी सभी क्वेश्चन के आपके डाउट क्लियर हो पाएंगे। अगर मैं आपको यहाँ पर इस भर्ती के एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिखाऊं तो आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। अगर आप कम से कम 10वीं 12वीं पास है तो आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे, यानी कि इसमें ऑल इंडिया वैकेंसी होगी। और अगर आपने 12वीं पास किया हुआ है तो आप इस भर्ती में आवेदन भी कर पाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूनिक फ्रेंड्स में। फ्रेंड्स, आज हम जिस रिक्रूटमेंट की बात करेंगे वो इंडियन रेलवे की ओर से सीधी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, यानी कि इंडियन रेलवे की ओर से नई भर्ती आ चुकी है। इस भर्ती में भारतीय किसी भी राज्य से आप आवेदन कर पाएंगे, यानी कि इसमें ऑल इंडिया वैकेंसी होगी, यानी कि भारतीय किसी भी स्टेट से आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। और अगर आप कम से कम 10वीं पास है तो आप इस भर्ती में आवेदन भी कर पाएंगे, यानी कि अगर आपने मैट्रिकुलेशन पास किया हुआ है तो आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। इस भर्ती में मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर पाएंगे, यानी कि महिला और पुरुष कैंडिडेट इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। इस भर्ती को सबसे बड़ी बात होगी, इसमें आपसे कोई एप्लीकेशन फीस भी नहीं लिया जाएगा और कोई लिखित परीक्षा, कोई इंटरव्यू भी आपका यहाँ पर इस भर्ती में नहीं होगा। और इस भर्ती के जो आवेदन है वो भी स्टार्ट हो चुके हैं और 28 दिसंबर तक आप इस भर्ती के आवेदन भी कर पाएंगे। नोटिफिकेशन आपको किस प्रकार डाउनलोड करना है, कहां से आपको आवेदन करना होगा, सभी जानकारी के लिए वीडियो कंप्लीट जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सअप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, आप यहाँ से ज्वाइन कर पाएंगे। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जो इस भर्ती का रिक्रूटमेंट और इसका नेम रहेगा वो साउथ वेस्टर्न रेलवे की ओर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ, यानी कि यहाँ पर इसकी ओर से भर्ती चलेगी। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको जब यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट दी गई तो यहाँ पर मैं नोटिफिकेशन में बताऊँ कितनी वैकेंसी दी गई है। जो पोस्ट नेम रहेगा ग्रुप सी के लिए आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपको मन है तभी लाइक करना, नहीं तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। हु कैन अप्लाई, तो इस भर्ती में भारत के किसी भी राज्य से आप आवेदन कर पाएंगे, यानी कि इसमें ऑल इंडिया वैकेंसी होगी, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर पाएंगे। अगर हम इस भर्ती के पे स्केल की बात करें, यानी कि जो आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी 14,400 से लेकर 34,200 रुपये पर मंथ तक का आपका पे स्केल है, काफ़ी अच्छी आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी। अगर हम इस भर्ती के एप्लीकेशन फीस की बात करें, यहाँ पर सभी कैंडिडेट के बिल्कुल फ्री होगा, यानी जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो बिल्कुल फ्री में आप आवेदन कर पाएंगे। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो भी आप यहाँ पर फ्री में आवेदन कर पाएंगे। अगर हम इस भर्ती के एज लिमिट के बारे में बात करें तो आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। अगर आपकी जो 18 ईयर से लेकर 25 ईयर के बीच में है तो आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। जो एज काउंट की जाएगी 30 जुलाई 2020 तक की जाएगी, यानी कि 30 जुलाई को आपकी न तो 18 से कम हो न 25 से ज़्यादा हो। अगर आप एस सी एस टी कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पर 5 ईयर की छूट मिलेगी। ओबीसी वालों को यहाँ पर 3 ईयर की छूट भी दी जाएगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। इस भर्ती के फिजिकल डिटेल होगा, हाइट आपकी कुछ भी नहीं होनी चाहिए, यानी कोई हाइट आपकी नापी नहीं जाएगी, कोई चेस्ट नहीं होगा। जो आपके यहाँ पर रनिंग होगी 400 मीटर और 5 किलोमीटर, यानी कि 5000 मीटर की आपको यहाँ पर रनिंग भी कंप्लीट करनी होगी। अगर फ्रेंड्स आप इस भर्ती का आवेदन करना चाहते हैं, आपके पास ये वाले डॉक्यूमेंट होना अनिवार्य है। आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे फोटो सिग्नेचर, जो आपके पास फोटो होना चाहिए उसका बैकग्राउंड लाइट कलर का होना अनिवार्य है। एजुकेशन के सभी डिटेल, डोमिसाइल, कार्ड सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड अगर आपके पास है तो आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे, यानी कि आपको यहाँ पर पैन कार्ड और आधार कार्ड आपको देना अनिवार्य है। अगर आपके पास ये दोनों आईडी नहीं है तो आप इनके यहाँ पर कोई और आईडी भी उनको दे सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास ये दोनों आईडी है तो आप इस भर्ती में आराम से आवेदन कर पाएंगे। अगर हम इस भर्ती के एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आपने 10वीं 12वीं पास किया हुआ है तो आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे, यानी कि अगर आपने मैट्रिकुलेशन इंटरमीडिएट पास किया हुआ है तो आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। अगर आप इस भर्ती की हिंदी में जानकारी लेना चाहते हैं, आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा, जिस पेज पर आपको हिंदी में जानकारी दी गई है। अगर हम इस भर्ती के इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बात करें तो यहाँ पर इस भर्ती के एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। जो लास्ट डेट रहेगी सबमिट करने के लिए 28 दिसंबर 2020 से पहले आपको अपना आवेदन फिल कर लेना है। अब देखिए फ्रेंड्स, आवेदन करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट पर आना होगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं किस प्रकार से आवेदन करना है तो उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर दिया गया है और वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अप्लाई करने के लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा तो आप यहाँ से अप्लाई भी कर पाएंगे। अगर आप हमारे ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं आप यहाँ से कर पाएंगे। नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती को जो एप्लीकेशन फॉर्म आया हुआ है वो आपके सामने आ जाएगा। आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे, साउथ वेस्टर्न रेलवे की ओर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है। जो आपकी एज होना चाहिए 18 ईयर से लेकर 25 ईयर के बीच में अगर आपके तो आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। अगर आप यहाँ पर इस भर्ती के एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। ग्रुप सी की यहाँ पर वैकेंसी होगी, यानी कि लेवल जो आपका रहेगा यहाँ पर बताएगा कितने आपको सीपीसी मिलेगी, यानी कि जो आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी उसके बाद जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। जो इस भर्ती के एजुकेशन क्वालिफिकेशन है कि 12वीं पास होना अनिवार्य है, उसकी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई, या फिर समकक्ष आपके पास होना अनिवार्य है,
कुछ में यहाँ पर मैट्रिकुलेशन यानी कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, दसवीं पास भी अगर आपने की हुई है तो आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे, अगर आपने ITI की हुई है तो आप इस भर्ती में तब भी आवेदन कर पाएंगे। सभी जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट का यूज कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। सभी जानकारी आपको हमारी वेबसाइट में मिल जाएगी, किस प्रकार से आवेदन करना है, कहां से आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है। अगर आप देखना चाहते हैं किस प्रकार से आवेदन करना है तो उस वीडियो का लिंक आपको यहां पर दिया गया है। जय हिंद, वंदे मातरम।